सो होंडा के साइन 125 को टक्कर देने के लिए फाइनली यामाहा कंपनी भी अब अपनी बजट सेगमेंट में एक 125 सीसी सेगमेंट की बाइक को लॉन्च करने वाली है, जिसमें दोस्तों आप लोग को अच्छे खासे फीचर्स तो मिलेंगे ही, लेकिन दोस्तों बाइक की जो प्राइसिंग है ये काफ़ी सस्ती रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो पर दोस्तों हम लोग इसी बाइक के बारे में बात करेंगे, तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग इस बाइक के लुक्स के बारे में बात करें तो बाइक का जो लुक है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा जो है एग्रेसिव बनाया गया है, काफ़ी शार्प सा जो है इसका डिज़ाइन दिया गया है। आप लोग बताइए कि आप लोग को इस बाइक का लुक कैसा लग रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आप लोग को फीचर्स के बारे में बताऊं तो इसमें दोस्तों आप लोग को कंप्लीट जो है यहाँ पे हेलोजन का ही लाइटिंग सेटअप देखने को मिलने वाला है। बाकी दोस्तों इस पे जो है आप लोग को फुल्ली एनालॉग मीटर कंसोल ही दिया जाने वाला है। बाकी दोस्तों इस बाइक पर आप लोग को CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम और डिस्क ब्रेक का तो ऑप्शन देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ जो है USB चार्जिंग पॉइंट भी दिया जाएगा। तो इस बाइक पर दोस्तों मतलब आप लोग को ठीक ठाक ही फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगर बात कर जाए इस बाइक के इंजन के बारे में तो इसमें दोस्तों आप लोग को 125 सीसी की इंजन दी जाने वाली है, जिसमें कि दोस्तों लगभग आप लोग को 11 bhp तक की पावर और 10 nm तक का आप लोग को टॉर्क देखने को मिलने वाला है, जो कि ये जो बाइक है दोस्तों ये 5-speed गियरबॉक्स के सेटअप के साथ आएगी, जिसमें दोस्तों आप लोग को सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टार्ट ही देखने को मिलेगी। बाइक पे आप लोग को कोई भी किक स्टार्ट नहीं दी जाने वाली है। माइलेज के बारे में बात करी जाए तो लगभग दोस्तों आप लोग को 60 से 65 KMPL के आसपास में देखने को मिलेगा। वहीं प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो लगभग दोस्तों 1,00,000 रुपये से लेकर 1,05,000 रुपये के आसपास में जो है इस बाइक की ऑन रोड प्राइसिंग रहने वाली है, जो कि देखा जाए तो 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी सस्ती रहने वाली है। अब बात करी जाए दोस्तों अगर लॉन्च के बारे में तो इस बाइक को दोस्तों इस साल के एंड तक में या फिर दोस्तों 2025 तक में जो है यामाहा कंपनी हमारे इंडियन मार्केट पे इस बाइक को लॉन्च कर सकती है। तो अब आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों इस बाइक को लेकर, नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।